नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के कारण महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखते हैं देश के कानून व्यवस्था की ओर, तो आज के दौर में भी एक ऐसा दौर जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जाती है, जहां पर सभी को समय पर न्याय दिलाने की बात की जाती है, वहां पर भी 2 करोड़ से ज़्यादा मामले पेंडिंग है। और महिलाओं के मुद्दों को लेकर के आज हम वेटरनरी कॉलेज जबलपुर की कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर क्या कहना है इनका महिला अपराधों को लेकर और न्याय व्यवस्था को लेकर के। तो सबसे पहले आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज़ पर। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने फैसला लिया, फांसी का फैसला लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत देर कर दी, क्योंकि मामले जो हैं हिंसा के, बलात्कार के, दहेज प्रताड़ना के, बहुत सारे मामले ऐसे चलते जा रहे हैं देश में। अगर वो ऐसे ही डिले करते जाएंगे तो फिर महिलाएं कैसे सेफ फील करेंगी। अगर सरकार ने लिया फैसला, नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी, 8 साल लगा दिया। तो आपका नाम जानना चाहेंगे। आशी चौरसिया जी, देश में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? मुझे लगता है कि अगर बचपन से ही एजुकेशन के दौरान जब नींव डाली जाए, सिखाया जाए कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं और ये सब अपराध कितने जघन्य हैं, कितना नहीं करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। यू नो, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही सिखाया जाए, सब अपने अपने बच्चों को समझाएं कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर। और इसके साथ ही साथ अभी पिछले महीने की बात है, हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका के साथ जो एक दर्दनाक हादसा हुआ, उन्हें जला दिया गया रेप के बाद, तो ऐसे जो अपराध होते हैं उसके बाद फिर जो पुलिस कार्रवाई हुई, इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? पुलिस ने बहुत अच्छा किया, एनकाउंटर किया, लेकिन हमको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है वो एनकाउंटर कब किया गया, जब वो भाग रहे थे। तो अगर वो वारदात के बाद ही कोई एक्शन ले लिया जाता, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता, तो हम तब ज़्यादा खुश होते। नो डाउट वहाँ पर भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, एनकाउंटर की आखिर सज़ा ही दी ना जो भी थे बलात्कारी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, और कब, जब वो भागने लगे। हम चाहते हैं कि वो जब इंसिडेंट हो, जब वो अपराध हो, उसके बाद ही ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तो हम ज़्यादा अच्छा सेफ फील करेंगे। और 2012 में निर्भया केस हुआ था, लगभग 7 वर्ष पूरे होने को हैं, और पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि 22 जनवरी को उनको फांसी दी जाने वाली, लेकिन एक बार फांसी को फिर से डिले कर दिया गया है और अब नई डेट दी गई है 1 फरवरी की। तो इन सारे मामलों को लेकर के इतना लचीलापन कानून व्यवस्था को लेकर के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सरकार को और भी ज़्यादा नियमों को कड़ा करने की ज़रूरत है। अभी प्रियंका रेड्डी वाले केस में ही एनकाउंटर नहीं होता तो वो केस भी 8 साल चलता, 9 साल चलता, उसके बाद फिर फांसी होती, और फांसी की डेट भी एक बार नहीं आती, बार बार डेट, कभी ये डेट कभी वो डेट, आखिर डर बने तो बने भी कैसे? वी नीड कि इतने कड़े लॉज हो कि लोग सोचने से पहले ही डरें, एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबल है इसलिए सब हो रहा है। गवर्नमेंट नीड के कुछ रिजिड स्टेप्स लिए जाएं, कुछ और खतरनाक लॉज बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम सिद्ध किया जाए, फास्ट एक्शन लेकर। जी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर तो कई सारे कोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में ऐसी फांसियाँ या ऐसी सजाएँ बहुत ही कम मामलों में होती हैं, और उनकी संख्या इतनी कम है कि शायद हम उन्हें मिसालों के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में, ज़मीनी हकीकत के तौर पर कुछ मामला कुछ और होता है। तो इस बारे में भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रूल्स रेगुलेशंस तो हर जगह है, हर स्टेट में है, हर कंट्री में, लेकिन बात तब आती है ना कि जब जिसके लिए वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं तो उसको फॉलो किए जाएं। हम पूरा जो क्या कहते हैं ब्लेम है, हम गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रूल्स जो बनाए गए हैं वो नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। जब नागरिक ही इतने जागरूक नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, उनकी सोच, उनका एनवायरमेंट, उनकी घर की परिस्थिति, ये सारी बहुत ज़्यादा मैटर रखती है इन सब चीज़ों में, तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का दोष नहीं है इसमें, हम नागरिकों का भी पूरा बराबर का हिस्सा है। जी, और कहीं ना कहीं अगर हम आज के भी समाज में देखते हैं, 21वीं सदी का दौर है और भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा जा रहा है, इंडिया विजन 2020 आज से 20 साल पहले अटल बिहारी की सरकार में रखा गया था, और अब 2020 आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी महिला अपराधों को अगर दृष्टिगत करते हैं, देखते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो विक्टिम के खिलाफ एक तरीके से नज़रिया रखती है, वहीं जो अपराधी होता है उसे
इतने विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता विक्टिम की तुलना में, तो समाज के नज़रियों के लेकर के देखकर महिला अपराधों की दृष्टि पे कैसे आप सोचते हैं? मुझे लगता है कि अपराध होने का सबसे बड़ा रीज़न ही समाज है। समाज सारी पाबंदियाँ लड़कियों पे लगाता है, लड़कों को भी तो सिखाओ जी, लड़कियाँ ये नहीं करें वो ना करें। उसके बाद इफ़ अ वुमेन इज़ द विक्टिम तो उसके साथ ऐसे बिहेव किया जाता है इट्स हर फॉल्ट कि ये उसके साथ हुआ, लड़की की क्या गलती है। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक 2020 तो क्या, इंडिया 5 ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है, हम जो बेसिक हैं वो भी अगर मेंटेन कर सके तो बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा की बात की जाए लेकिन शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो समग्र विकास का साधन कहा जा सकता है, लेकिन रेप के मामलों में भी अक्सर ये देखा जा रहा है जो लड़कियाँ शिक्षित हो रही हैं, जो लड़कियां हाई प्रोफाइल हैं, जो अच्छे घरानों से जो तो एक बड़ी कंपनीज में काम करने का दुस्साहस करती हैं, समाज के नज़रिए की अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हमारी समाज की सोच है, तो उनके खिलाफ़ ही ऐसे अपराध अधिक देखने को मिलते हैं। तो क्या कहीं शिक्षा को लेकर भी समाज का नज़रिया आप लोग की नज़र में सही नहीं है? हाँ बिल्कुल, लड़की पढ़ ले तो उसने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, अलग ही एटीट्यूड, अलग ही मतलब सब अलग ही नज़रिए से देखेगा। बिन पढ़ी लड़की है उस केस में भी अलग नज़रिए से देखेगा, तो करें क्या, पढ़ना छोड़ दें या और पढ़ें तो दिक्कत, ना पढ़ें तो दिक्कत, घर पे बैठे तो दिक्कत, सभी जगह तो दिक्कत ही दिक्कत है। किसकी गलती है? सोच की गलती है। हमको सबसे पहले जो है सोच बदलने की ज़रूरी है, क्योंकि ये बात हमेशा हमको याद रखनी चाहिए, इट ऑल स्टार्ट्स विद इन यू। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में जब लाल किले से उन्होंने बेटों के लिए एक बात बोली थी कि हम बेटियों से तो अक्सर सवाल करते हैं, लेकिन जब बेटा हमारा रात को 11 बजे 12 बजे घर आता है तो उससे हम ये नहीं पूछते हैं कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब जो मूल जड़ है अपराधी जो होता है, कहीं ना कहीं किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, किसी का दोस्त होता है, तो लड़कों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि सारे लड़के गलत हैं, बिल्कुल ये कहना भी गलत है जी, क्योंकि हर जगह की अलग अलग थिंकिंग होती है, हर इंसान की अलग अलग थिंकिंग होती है। लेकिन आप देखिए कि जो ये सारे काम करते हैं, ये जो ऊट पटांग, ये सारे जो कर्मकांड होते हैं, ये अक्सर छोटी सोच के लोगों के होते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं या जिनका मतलब दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका होता है कि उनको बस एक ही चीज़ में कंसंट्रेटेड होता है वो। तो सबसे पहले तो अब ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हम कि सारे देश के सारे जो युवक युवतियाँ हैं सबको पढ़ाओ, लेकिन एटलीस्ट उनमें ऐसी अवेयरनेस चली। आप पढ़ लिख कर तो नहीं कर सकते हैं, देश के नियम कानून ही इतने स्ट्रिक्ट कर दीजिए कि कुछ तो उनकी बुद्धि पर जाए कि हाँ हमको ये नहीं करना है, ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस सोसाइटी में। महत्वपूर्ण चीज़ पिछले कुछ वर्षों में देखी जा रही है कि जो रेप के आरोपी होते हैं वो लगभग 70-80% मामलों में विक्टिम के परिचित होते हैं, मतलब हमारे परिचय वाला व्यक्ति ही, हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति ही, हमारा सगा संबंधी ऐसे अपराधों को, ऐसे कृत्यों को अंजाम देता है। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? अपराधी तो कोई भी हो सकता है, चाहे अपना हो चाहे स्ट्रेंजर हो, और अपराधी तो कोई भी जिसके मन में अपराध है वही अपराधी है जी। और ऐसे केसेस में आई फील के अब लड़की ही खुद को संभाल ले तो संभाल ले, वरना समाज का तो क्या है जी? जब खुद के सगे ही किसी के सगे नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। एंड दिस वन मोर थिंग, जो जुवेनाइल जो अपराधी होता है, जुवेनाइल कोई टर्म नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, मानसिकता तो कभी भी आ सकती है। और ये कौन सी उम्र है कि इस उम्र में आके आप एक अपराधी सिद्ध होंगे? कुकृत्य तो आप पहले ही कर रहे हैं। आई फील कि इसमें सब सोसाइटी की ही गलती है, जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, अपनी वुमेन को स्ट्रेंथ नहीं करेंगे तब तक यही होने वाला है। मैं डॉक्टर एमएलवी राव जी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक पशु औषधि विभाग जी, वेटनरी कॉलेज जबलपुर हूँ जी, यही मेरा परिचय है जी। वर्तमान में हम देख रहे हैं, आज पेपर में आया था, आज तमाम जबलपुर के पेपर में आया है जी, और सांसदों ने ये कहा है कि जो निर्भया केस में जो फांसी के फंदे से बचने के लिए अपराधी लोग डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं, अगर उस पर एक को फांसी की सज़ा होती है तो दूसरे किसी कारण से बहाना लेके उसको वो कर रहा है जी। तो इसको रोकने के लिए अगर संसद में शासन कानून लेके आता है केंद्र सरकार जी, और जिसमें जल्द से जल्द निपटारा हो और उनको उनके गति तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सांसदों का ये मत है
कि वो लोकसभा में नई नियम लेके आए और विधायक लेके आए और पास करवाएं, ताकि जो अपराधी इस टाइप के क्रूर करते हैं, जिनको जिनको कहें कि हद से दर्जा है, जिनमें कुछ लोगों में तो शर्म रहती थी, शर्म बेहाया लोग हैं, ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत फांसी की सजा दी जाना चाहिए और एक जल्द से जल्द सुनवाई हो, ताकि देश का भला हो सके, लोगों को शिक्षा मिले और साथ ही साथ लेडीज़ को स्त्रियों के लिए प्रोटेक्शन के लिए तमाम जगह जगह सेमिनार आयोजित किए जाएँ, उनको किस प्रकार मिर्च का स्प्रे, काली मिर्च का स्प्रे, अन्यथा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और जो योगा अभ्यास किस प्रकार का अगर ये करवाए जाए, उनको कराया जाए, तो हमारी महिला अबला न होके सबला होगी और इस प्रकार देश का उद्धार। महिला अपराधों के बारे में हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो जो जुवेनाइल होते हैं, मतलब नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र के, तो ऐसे कृत्य तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कानूनन उन्हें जुवेनाइल मान लिया जाता है, उन्हें बाल सुधार गृहों में भेजा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जब अपराध बड़ा है तो उसमें उम्र की सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एज कोई भी हो, अगर किसी ने गलती करी है तो उसको सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। मतलब उम्र की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, अपराध को देखते हुए सज़ा देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल जी। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश सरकार का पिछले दिनों एक नया जो तो नियम आया है, नई घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, जो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर एसटी और एससी समुदाय की लड़कियों के साथ अगर रेप होता है तो उस मामले में 8 लाख रुपए देने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों की है, ऐसा खबरों से पता चल रहा है। तो इस बारे में क्या कहना आपका कि मतलब विक्टिम को अगर हम जाति और वर्ग धर्म के आधार पर बांटते हैं तो इससे समाज में क्या संदेश जाता है? देखिए, अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे जी, तो आज तक जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और आज भी, मतलब अगर आधुनिक इतिहास में भी देखें तो जब भी युद्ध हुए हैं उसमें एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेगी, सबसे ज़्यादा सामान्य मिलेगी, वो है कि नारी जाति का हमेशा शोषण होता है युद्ध के बाद। और कई तरह से देखा जाए तो कई सारे युद्धों की जो वजह है वो शायद नारी जाति का शोषण ही रहा है। यानी कि सारी कहानी का सारांश केवल इतना है कि नारी जाति का जो शोषण सदियों से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है, तो उसको, उस शोषण को है ना, आप जातिगत आधार पर उसको वर्गीकृत करना, ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है कि मतलब जो एस सी एस टी के जो वुमेंस हैं वही वुमेंस हैं, बाकी सारी जो है ना वुमेंस ही नहीं है। तो ये एक सोच है जिसमें ये समझ लिया जाता है कि पुरुष जाति के द्वारा, जिसे बोलते हैं ना पितृसत्तात्मक सोच, कि हम जो पुरुष हैं ना, हमारा अधिकार है किसी नारी का शोषण करना, उसकी आबरू, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, तो वो सोच को बदलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बोलते हैं मतलब लॉलीपॉप हैं एक तरह से मतलब सीधे तौर पर कहा जा सकता है विक्टिम तो विक्टिम है, अब उसकी क्या जाति होती है, क्या धर्म होती है, ये तो कोई निश्चित नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल मतलब एक बोलते हैं मतलब इसके बहाने आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। बिल्कुल जी। और इसके अलावा भी एक मूवी आई दीपिका पादुकोण की छपाक, जो तेजाब के ऊपर बनी हुई थी, और उसका कुछ समुदायों द्वारा, कुछ विचारधारा के लोगों के द्वारा खंडन किया गया, बहिष्कार किया गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर, ऐसे बृहद घटनाओं को लेकर के कोई मूवी बनती है, कोई कलाकार कार्य करता है, तो क्या उसे कुछ मामलों को लेकर के खंडित किया जाना, बहिष्कार किया जाना उचित ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सब जो इन्होंने वो मूवी दिखाई है वो बहुत मतलब दो लोगों को अवेयर करने के लिए है। एक जैसे उनका था कि एसिड बिकेगा नहीं तो फिकेगा नहीं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है कि लोगों को क्या मिलता है कि जैसे एक चीज़ आई तो उससे ये रहता है कि अगर आप एसिड फेंकोगे लोगों के ऊपर तो मतलब जैसे इसने मुझे इनकार कर दिया, तो उनको प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से। तो अगर इस चीज़ पर वो रहेगा कि नहीं, आपने उनको देखा कि उनको क्या सज़ा मिल रही है या फिर वो सब क्या उनके साथ नतीजा हो रहा है उनका, तो इससे लोगों में एक खौफ भी तो पैदा होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे, और क्या है उनकी बहुत ज़्यादा मतलब बदनामी भी होती है लोगों की कि अगर आपने ऐसा करा तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोगों को एक तरीके से क्या जागरूक करते हैं कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, मतलब उसके साथ जो कर रहा है, तो मतलब अच्छी है, इस पर वो तो नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को लेकर के जो जौहर की बात की जाती है, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, और कई फिल्मों में जौहर की बात की गई जिसमें महिला आत्मदाह कर देती है या फिर जो तो आत्मत्याग कर देती है, जीवन का त्याग कर देती है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वर्तमान समय में क्या सोचती हैं आपके, मतलब ये कहाँ तक जो है तो सही ठहराया जा सकता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों को जीने का
समान तौर पे अधिकार है, और स्वाभिमान के लिए आत्महत्या करना, स्वाभिमान के लिए जो है तो जौहर दिखाना, ये तो सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, अब हम इतने मतलब जैसे जैसे अब प्रोग्रेस हो रहा है तो अब ये चीज़ें बोलना कि अब जौहर कर दो, ये तो बहुत गलत है कि लोगों को जैसे आपने कहा कि सही है सबको समान हक है जीने का, तो अब ये तो आप नहीं कर सकते कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप मर जाओ, ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके लिए फाइट लो, और ये भी सबसे अच्छी बात है कि आपके साथ समाज जुड़े कि मतलब आपके आपको मतलब साथ दे आपका कि आपके साथ जो हो रहा है और आपको मतलब और वो करे कि आगे बढ़ाए कि हाँ आगे आप बढ़िए और आगे जो कुछ भी मतलब हो रहा है उसके लिए वो करिए। और इसके अलावा जो निर्भया केस में अभी 22 जनवरी को फांसी देने की बात थी, अब 1 फरवरी को की जा रही है, 7 साल से ज़्यादा हो चुका है और लगातार समय बढ़ रहा है, तो न्याय व्यवस्था में इतनी देरी होना किस हद तक जो तो सही या गलत मानती है, क्या सुधार किए जाने चाहिए? इतना लेट होना नहीं चाहिए, फांसी तो उनको 7 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। ये जो गवर्नमेंट डिले कर रही है ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर प्रियंका के साथ पिछले महीने जो हुआ और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर किया गया, कहीं ना कहीं ये हमारी न्याय व्यवस्था पर एक सवाल उठाता है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी। पुलिस की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर हम रुके रहते तो जैसे 7 साल बाद इसको फांसी हो रही है वो भी केस चलता ही रहता, इसलिए इनकाउंटर सही था। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर और विशेष तौर पर निर्भया की आरोपियों की जो फांसी 1 फरवरी को एक बार फिर से डिले कर दी गई है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने बिकनरी कॉलेज जबलपुर के कुछ छात्रों से बातचीत की। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।